परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शहीन का जहां और। शहीन अलामा इकबाल अलैहिर्रहमा के का आइडियल है। अलामा इकबाल अलैहिर्रहमा मेरे मुर्शिद हैं, इसी हवाले से शहीन मेरा भी आइडियल है। मेरी किताब शहीन का जहान अगर आपने खरीदी है तो बहुत आला, अगर नहीं खरीदी तो किसी भी बुक डिपो से ज़रूर खरीदें। शहीन की उम्र तकरीबन 70 वर्ष होती है, 40 साल की उम्र में इसकी नुकेली चूंच टेढ़ी हो जाती है, इसके पाँव नाखून इसके मुड़ जाते हैं और इसके पर इसके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं, जिस वजह से ये परवाज नहीं कर पाता और ना ही ये अपना शिकार कर पाता है। इसके पास अब 2 रास्ते होते हैं, या तो ये मौत का इंतखाब कर ले या 5 महीने की शदीद अजियत बर्दाश्त करे। शाहीन चूंकि जहद का नाम है, शाहीन आइडियलिज्म का नाम है, शाहीन जहद को कबूल करता है, शहीन अजियत को कबूल करता है, ये पहाड़ों में चला जाता है। सबसे पहले ये पत्थरों पे मार के अपनी चूंच को तोड़ता है, जब इसकी चूंच टूट जाती है नई चूंच आने के बाद ये अपने पाँव का नाखून उस चूंच से जड़ से काट के फेंक देता है। जब नए नाखून आते हैं तो चूंच और नाखूनों की मदद से ये अपने परों को एक एक करके काट के फेंकता है। जब नए पर आते हैं तो शहीन परवाज भरने के काबिल हो जाता है, ये अपनी नई जिंदगी का आगाज करता है। माय डियर्स, बाज़ दफ़ा हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को बदलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम इससे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अगर जो ज़िंदगी को बदलने के लिए हमें सख्त जदोजहद क्यों ना करनी पड़े।